हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ चंडीगढ़। मैं चंडीगढ़ क्यों जा रही हूँ उसके लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। हम निकल चुके थे 8:30 पे अपने घर से चंडीगढ़। मेरे हस्बैंड को इसलिए जाना था क्योंकि उनकी मोहाली मीटिंग थी, उनको ऑफिस की मीटिंग से जाना था मोहाली, और उन्होंने मुझसे और मेरी ननद से बोला, अपनी सिस्टर से, कि चलो तुम दोनों घर पे क्या करोगे, मेरे साथ चलो तुम चंडीगढ़ घूम लेना, मैं अपनी मीटिंग अटेंड कर लूंगा। मॉर्निंग में जल्दी जगे थे ना, तो इसलिए अक्षत को नींद आ गई। फिर हम लोग, मतलब मोहाली पहले पड़ता है, चंडीगढ़ बाद में पड़ता है, आधे घंटे का आगे मतलब चंडीगढ़ पड़ता है। फिर हम लोग पहुंच चुके थे चंडीगढ़ के सबसे बिगेस्ट एलेंटीन मॉल, और इसको नॉर्थ का सबसे बड़ा मॉल बोला जाता है। ये इसका एंट्रेंस है यहाँ से, और यहाँ पे साइड में आई लव चंडीगढ़ लिखा हुआ है। लोग यहाँ पर ना अपनी सेल्फी खींचते हैं, मतलब से सेल्फी पॉइंट बना रखा है। जैसे हम एंट्री करते हैं मॉल में, यहाँ दोनों साइड ना वाटरफॉल बने हुए हैं। बहुत ही मतलब प्यारा लुक है यहाँ का बाहर का। आपको इस मॉल में बहुत सारे ब्रांड्स के शोरूम मिलेंगे, और मॉल काफी बड़ा है। इसमें ना पूरे 4th फ्लोर दिए हुए हैं, इसमें ग्राउंड फ्लोर भी, हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर नहीं गए थे। ये है इसका 1st फ्लोर। यहाँ पर सब, यहाँ पे आपको जारा मिल जाएगा, मैक्स मिल जाएगा, बहुत सारे मतलब आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे यहाँ पे। नीचे कॉस्मेटिक का, ज्वेलरी का, क्लॉथ्स का सब मिलेगा 1st फ्लोर पर एंड 2nd फ्लोर पर। फिर उसके बाद हम पहुंचे थे 2nd फ्लोर पर, और पता है अक्षित को अपना गेम वाला दिख गया, तो बस बोलता है मम्मी मुझे तो गेम ही देखना है। फिर हम पहुंचे थे पहले लाइफ स्टाइल, यहाँ पे मुझे एक जो ड्रेसेस पसंद आई, मैंने सोचा मैं ट्राई करूंगी, बट ट्राई नहीं की, दीदी को भूख लग गई, और मुझे पहली बार पता लगा कि ऋतिक कुमार का भी शोरूम है। फिर यहाँ पे हम लोग फूड कोर्ट गए थे, वो 4th फ्लोर पर है, वहां पर पूरा खाने का है, बहुत सारे वहां पे। ऊपर 4th फ्लोर पे PVR भी है, वहां पे KFC, पिज्जा, पैलेस ऑफ गिल्स, पिरामिड, बहुत कुछ। हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि हमें खाना है क्या है आखिरकार। फिर लास्ट में डिसाइड हुआ कि क्यों ना हम पिज्जा हट जाके पिज्जा ही खा लें। फिर हमने यहाँ पे पिज्जा और गार्लिक ब्रेड ऑर्डर किया था। पिज्जा बहुत टेस्टी था, गार्लिक ब्रेड बहुत ज्यादा क्रिस्पी था, अक्षत ने भी खाया। फिर उसके बाद हम निकल गए थे, हम सबसे पहले गए थे अक्षत को हैमलीज लेके, क्योंकि अक्षत ने मचाया हुआ था शोर कि मुझे तो गेम ही खेलना है। हैमलीज के शोरूम के बाहर एक ट्रेन थी जिसकी टिकट थी 150 रुपये, मतलब अक्षत के साथ अगर मैं बैठी तो 300 रुपये के साथ वो थी, और वो पूरा एक राउंड लग रहा था, और मतलब इतना एटीट्यूड दिखा रहा था कि हम उससे डिसाइड ही कर रहे थे। बोलता है कि मैडम पहले आप डिसाइड कर लो फिर अंदर आना। फिर हम लोग हैमलीज में घुस के, अच्छा हुआ कि हमने वो ट्रेन में अपने पैसे वेस्ट नहीं किए। यहाँ पे पूरा शोरूम था, यहाँ पे क्लॉथ्स, टॉय, ऑल चीजें थी बच्चों के, और साथ में यहाँ पर एक प्ले रूम भी था। इस प्ले रूम की जो टिकट थी वो 400 रुपये थी, और पता है एक बात और, यहाँ पे ना बिना सॉक्स के एंट्री नहीं थी। हमें यहाँ पे हैमलीज के, हम सॉक्स नहीं लेके गए थे अक्षित के लिए, तो हैमलीज के हमें 100 रुपये के सॉक्स पड़े, मतलब 500 रुपये की टिकट थी 1 घंटे की, और अगर आपको 1.5 घंटे के लिए रखना है अपने बच्चे को, तो यहाँ पे उसकी टिकट थी 550। यहाँ पे सॉक्स पहनाए अक्षत को, फिर उसके बाद ये अपना एक टैग लगाते हैं हैंड पे, पर यहाँ पे बच्चा बहुत ज्यादा सेफ होता है। यहाँ पे नॉर्मली जैसे कि पास के जो होते हैं लोकल एरिया के, वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, यहाँ पे हैमलीज में छोड़ देती हैं, उसके बाद शॉपिंग कर लेती हैं। अक्षत ने तो यहाँ पे फुल ऑन मस्ती की थी, बट मैंने और दीदी ने सोचा कि हम भी इसे छोड़ देते हैं और हम लोग शॉपिंग कराते हैं, बट हम वो वाली माँ नहीं थे कि हम इसे छोड़ दें। हमें डर भी था कि हम दूसरी सिटी में इसको कैसे छोड़ सकते हैं। और इसको ना सारी लड़कियां मिली, उनके साथ इसने बहुत ज्यादा इंजॉय किया, इसने मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा एंजॉय करने के लिए। और पता नहीं बच्चों में कहाँ से इतनी ज्यादा एनर्जी आती है कि यार ये 1-1.5 घंटे कंटिन्यू खेल लेते हैं। हम तो इसके पीछे 10 मिनट में, मैं और दीदी दोनों थक गए थे। 3 बजे इसके पापा की मीटिंग खत्म हो गई थी, तो वो भी आ गए थे, उन्होंने अक्षत को संभाला। मैंने और दीदी ने फिर ट्रेन में जाके शॉपिंग की। यहाँ पे पहले सबसे मैंने 1-2 सूट भी ट्राई किए थे, और रेट भी यहाँ के बहुत ठीक थे, तो हमने यहाँ से 2 सूट लिए थे, एक मैंने एक दीदी ने, तो हमें कम से कम 5,000 के पड़ेंगे वो सूट। उसके साथ वहाँ ऑफर चल रहा था, तो हमें एक बेडशीट भी मिल गई। मैंने यहाँ पे 2-3 सूट ट्राई किए थे, बट मुझे एक ही पसंद आया, तो मैंने एक ही परचेज किया, क्योंकि किसी में मुझे स्मॉल साइज, मतलब मेरे को आ रहा था स्मॉल, और वहाँ पे मुझे स्मॉल ना मिलकर एक्स्ट्रा स्मॉल मिला था। फिर उसके बाद हम गए थे गेम जोन में। अक्षत फिर से हैप्पी हुए कि मुझे फिर से एक्टिविटीज करने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे हमने 1,000 रुपये का एक मतलब कार्ड लिया था, उसमें 1,000 रुपये फिल कराए थे। उससे क्या हुआ कि आप सारे गेम खेल सकते हो यहाँ पर, उसमें वॉलीबॉल इन्वॉल्व नहीं था। सबसे पहले यहाँ पे अक्षत ने अपने पापा के साथ फास्ट एंड फ्यूरियस वाला गेम खेला। अक्षत इसको देखकर पहले तो खुश हो, उसके बाद डर गया क्योंकि ये कार जो थी वो हिल रही थी। फिर उसके बाद मैंने और दीदी ने भी एक्टिविटीज करी, और पता लगा कि यहाँ पे कुछ गेम ऐसे थे जिसमें कि हमें टिकट मिल रही थी, मतलब पॉइंट कलेक्ट करने थे। फिर मैंने और दीदी ने भी एक गेम खेला जिसका नाम था स्पीड ऑफ लाइट। मतलब उसको खेलने के बाद लिटरली ऐसा लगा कि जैसे कि हमने क्या गेम खेला, उसमें क्या था कि लाइट थी जिनको मैं पुश करना था स्पीड से,
और पर इससे हमें ये फायदा हुआ कि यहाँ पे हमने बहुत सारे पॉइंट कलेक्ट कर लिए थे, बट हंसी आ रही थी। और फिर मैंने और दीदी ने एक डायनासोर वाला गेम भी खेला, पर उसकी वीडियो हमारे पास नहीं थी तो हम बस खेल चुके थे, पर वो बहुत अच्छा था। उसमें दीदी को पॉइंट मिले बट मुझको नहीं मिले। यहाँ पे हमने काफी सारे खेले, और यहाँ पे ना वॉलीबॉल का टिकट अलग से लेना पड़ता है, यहाँ पे क्रिकेट भी था, काफी कुछ एक्टिविटीज थी, यहाँ पे टेबल टेनिस भी था, मतलब काफी एक्टिविटीज थी। फिर उसके बाद हमारे पास 135 पॉइंट कलेक्ट हो गए थे। आप चाहो तो उनसे और गेम खेल सकते हो, बट हमें लेट हो रहा था क्योंकि भैया हमें घर जाना था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो पॉइंट थे ना उनसे हमें कुछ चीजें मिल रही थी, जैसे कि बॉल, मतलब बच्चों के खेलने की क्राफ्ट वाला सामान, कैंची, पेन, पेंसिल, ये सारा कुछ मिला था। तो हमने अक्षित के लिए वो खरीद लिया। फिर उसके बाद हम निकल चुके थे क्योंकि हम काफी लेट हो गए, तो हमारा घर भी बहुत दूर है, मतलब कपूरथला के लिए हमें 3 घंटा लगता है। तो ऐसा था मेरा डे। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब।